नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं RPSC सेकंड ग्रेड इंग्लिश में मेजर इंडियन राइटर्स के बारे में, और मेजर इंडियन राइटर्स के सेशन में हम आज बात करेंगे अमिताभ घोष एंड मंजू कपूर के बारे में। अमिताभ घोष के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस और मंजू कपूर के बारे में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, और जस्ट शुरू करने से पहले साथियों आप लोगों को इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा, और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए यह है कि नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं लिटरेरी मोमेंट्स के बारे में, और अब ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा आपके मेजर इंडियन राइटर्स के बारे में। और इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे आपके लिटरेरी मोमेंट्स के बारे में, एंड उसको फिनिश होने के बाद हम बात करेंगे लिटरेरी पीरियड्स, एंड देन हम मूव करेंगे ग्रामर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर इंडियन राइटर्स में अमिताभ घोष एंड मंजू कपूर के बारे में। साथियों, अमिताभ घोष के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस, और मंजू कपूर के बारे में ओनली 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहां राइट डाउन किए हैं। और आप कंफर्म माने कि अमिताभ घोष या मंजू कपूर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे सेशन से बाहर नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं अमिताभ घोष के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन है हमारा, बोर्न इन कलकत्ता। अमिताभ घोष का जो जन्म स्थान है वो है कलकत्ता, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, मींस ये पद्मश्री अवार्डी हैं, ध्यान रखें। सेकंड वन है हमारा, गॉट 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018, मींस अमिताभ घोष गॉट 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018। अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में मिला, और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है जो कि इनको 2018 में मिला, ये क्या है, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। अब आपको ये भी क्वेश्चन तैयार होता है, विच वन इज नोन एज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, देन योर आंसर विल बी ज्ञानपीठ अवार्ड इज नोन एज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अमिताभ घोष, देन आवर सेकंड क्वेश्चन इज, अमिताभ घोष गॉट ए 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018, which one is that is known as India's highest literary honor। move करेंगे question number 3 पे। अगर बात की जाए इनके genre की, अमिताभ घोष किस type का, मतलब किस genre से belong करते हैं, यानी इनकी creations में हमें क्या देखने को मिलता है, then our answer will be अमिताभ घोष belongs, or you can say writes historical fiction। move करेंगे question number 4th पे, यहाँ third one आपके बिल्कुल clear है, historical fiction यानी historical background जो है उससे बिलोंग करते हैं अमिताभ घोष। फोर्थ वन, ही गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड आल्सो, माने इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला, कब, 1989 में, ध्यान रखें। फर्स्ट ही गॉट ए साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1989, एंड देन इन 2018 ही गॉट ए ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5th, ही गॉट ए ज्ञानपीठ अवार्ड एंड साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर His creation, The Shadow Lines, that is a famous or you can say well-known creation of Amitabh Ghosh, The Shadow Lines, and due to The Shadow Lines, he got Gyanpith Award in Gyanpith Award in 2018 and Sahitya Academy Award in 1989. Important question है साथियों, question number 5th आप अच्छे से लिखने, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके फेमस और वेल नोन क्रिएशन द शैडो लाइंस के लिए मिला। एंड द लास्ट वन, नोटेबल वर्क्स के लिए बात की जाए तो इनके कौन कौन से नोटेबल वर्क्स हैं, नोटेबल वर्क्स वही मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनका टाइटल ध्यान रखें, फर्स्ट वन है द शैडो लाइंस, सेकेंड वन द ग्लास पैलेस, थर्ड वन द ग्रेट डिरेंजमेंट, एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इविस इविस ट्रिलॉजी। तो इस प्रकार से ये इनके 4 नोटेबल वर्क्स हैं, सिर्फ आपको टाइटल की ध्यान रखना है साथियों, द शैडो लाइंस, द ग्लास पैलेस, द ग्रेट डिरेंजमेंट, एंड द लास्ट वन इविस ट्रिलॉजी। ये 4 इनके नोटेबल वर्क्स हैं, आप लोग सिर्फ इनका टाइटल ही ध्यान रखें क्योंकि इससे आपको कुछ भी नहीं पूछने वाला। और यहाँ आपको जैसे कि फर्स्ट वन मैंने बता दिया आपको, पद्मश्री अवार्ड इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रख लें, इनको आनंद पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आनंद पुरस्कार, पद्मश्री
और इनके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये चार पुरस्कार है साथियों। उम्मीद है गोश्य रिलेटेड फिर से देख लें, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और इसके अलावा आनंद पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो इस प्रकार से इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं, इनके टाइटल को आप ध्यान रखें और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन सी इनके क्रिएशन के लिए मिला, द आंसर विल बी द शैडो लाइंस, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1989 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में 2018 में इनको मिला। एंड ये भी आप देख लें, ज्ञानपीठ अवार्ड इज नोन एज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। इस प्रकार से अमिताभ घोष से रिलेटेड ये 6 क्वेश्चन है साथियों। इन 6 क्वेश्चंस के बाहर आपके पेपर में अमिताभ घोष से बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर एग्जाम में पूछा गया तो। वो करेंगे नेक्स्ट वन, हमारे नेक्स्ट वन मंजू कपूर। अब साथियों मंजू कपूर से रिलेटेड मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन ही राइट डाउन किए हैं और मुझे पक्का विश्वास है आप निश्चित रहें अगर मंजू कपूर से क्वेश्चन आएगा तो इन 4 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। फर्स्ट वन आपका बर्थ प्लेस बात की जाए, बर्थ प्लेस मंजू कपूर बर्थ प्लेस इज अमृतसर पंजाब। और फर्स्ट नोवल दीपिका डॉटर्स, दीपिका डॉटर्स इज मंजू कपूर फर्स्ट नोवल एंड वेल नोन नोवल। थर्ड वन शी वॉन कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1999। फिर से देख लें, मंजू कपूर वॉन कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1999 फॉर हर क्रिएशन डिफिकल्टी डॉटर्स। Which one is known as Manzu Kapoor's first novel? And the last one, The Immigrant, has been longlisted for DSC Prize for South Asian Literature. माने इनका एक और creation है, one of the आप कह सकते हो one of the famous creation है, और आप कह सकते हो recent creation. इनकी जो recent creation है, The Immigrant, is immigrant. ये जो इनकी creation है, The Immigrant, this creation has been longlisted, यानी इसको longlist किया गया है किसके लिए, DSC prize for South Asian literature, South Asian literature के DSC prize के लिए इनकी recent novel, इनकी recent creation The Immigrant को longlisted किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके अमिताभ घोष के बारे में 6 क्वेश्चन और मंजू कपूर के बारे में हो गए आपके 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से ये 6 प्लस 4 हो गए आपके टोटल 10 क्वेश्चन अबाउट दीज टू। तो साथियों इस सेशन में हमने बात की आपके वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन अबाउट अमिताभ घोष एंड 4 क्वेश्चन अबाउट मंजू कपूर। इस सेशन को फिनिश होते ही जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, इसके बाद हम मूव करेंगे मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में एंड देन वी विल मूव फॉर लिटरेरी पीरियड्स एंड देन वी विल मूव फॉर यू कैन से मेथड्स एंड लास्ट में मिलेंगे ग्रामर को। इसका रीजन ये है क्योंकि ग्रामर तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को ग्रामर तो लगभग आप लोगों की तैयार है, आप लोगों ने बहुत सारी बुक से स्टडी कर ली होगी। तो बाकी चीज़ें जो है वो फर्स्ट वन हमने बात करी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी जो टर्म्स है सब मैं बता चुका हूँ आपको, और इसके बाद मेजर इंडियन राइटर्स हो जाएंगे आपके और फिर हम बाकी की चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बना लें और अच्छे से याद कर लें, और मुझे पक्का विश्वास है आपके कोई भी क्वेश्चन, शायद ही कोई क्वेश्चन, सभी के लिए तो नहीं कहूँगा बट शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो हमारे सेशन से बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आज का जो सेशन है ये रहा अमिताभ घोष मंजू कपूर के बारे में। साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।